वारस से लेकर धारा 370 तक, सूर्यवंशी से लेकर कृष तक, पौराणिक राक्षस से लेकर टाइगर सल्लू तक, हर फॉर्मूला शाहरुख खान शाहरुख खान की मूवी पठान में आजमाया गया है। टॉम क्रूज या विन डीजल जैसे हॉलीवुड स्टार की किसी भी एक्शन मूवी में जो स्टंट हो सकता है वो सिद्धार्थ आनंद ने इसमें इस्तेमाल किया है। दीपिका के हॉट सीन्स भी हैं। भगवा बिकिनी पर विवाद पहले से हो ही चुका है, बावजूद इसके भी मूवी ना चली तो शाहरुख की खराब किस्मत ही होगी। कहानी के मूल में है एक ऐसे सीक्रेट सर्विस एजेंट का किरदार जिसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार आतंकियों के आगे झुकने और उन्हें 10 करोड़ देने से मना कर देती है। पत्नी की हत्या के बाद जिम जॉन अब्राहम देश के खिलाफ फेक मिशन में जुट जाता है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के पाला बदलने की ऐसी कहानियां आपने पहले भी कई फिल्मों में देखी होंगी। उसकी रक्तबीज मिशन को फेल करने में जुटती है भारतीय सीक्रेट एजेंट पठान शाहरुख खान की टीम। कहानी इतनी ही है, बाकी सब फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जो यशराज फिल्म की फिल्मों में ही देखने में आ रहा है, सीक्रेट सर्विस एजेंट की जाती ही नहीं धर्म भी गायब कर दो ताकि मूवी को पाकिस्तान दुबई आदि जगह भी बेचा जा सके। टाइगर का नाम अविनाश सिंह राठौर भी शुरू में ही बताया गया था, सीक्वल और पठान में भी अब बस उसे टाइगर कहा गया है। ऐसे ही वॉर में ऋतिक रोशन का नाम कबीर था, आखिर तक उसका धर्म छुपाया गया और इस मूवी में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया गया। पठान में भी दो किरदार हैं, पठान और जिम, दोनों के नाम से अनुमान लगाते रहे लेकिन पठान के बारे में साफ कर दिया गया कि वो मुसलमान हो भी सकता है और नहीं भी। खान स्टार्स की फिल्मों में एक और फॉर्मूला इन दिनों कई बार आजमाया जा रहा है, वो पठान में भी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी लड़ाई लड़ने का, जिस नीति को कभी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम आतंक को समर्थन वाले देशों में रखने का उनका दावा इंटरनेशनल मंचों पर कमजोर हो जाएगा। उस काम को हिंदी फिल्मों के ये खान सितारे जरूर कर रहे हैं। सलमान की टाइगर जिंदा है में भी कॉमन दुश्मन एक आतंकवादी था जो भारत पाकिस्तान की नर्सों को बंधक बना लेता है और उसको छुड़ाने के लिए टाइगर ISI एजेंट कैटरीना से हाथ मिला लेता है और फिर दिल भी। इसी तरह सैफ अली खान की एजेंट विनोद में रॉय एजेंट विनोद ISI एजेंट करीना कपूर से मिलकर दुश्मनों से लड़ता है। अब शाहरुख की पठान में भी दीपिका ISI एजेंट के रोल में शाहरुख के साथ मिलकर मिशन में जुटती है। पठान में भी दिखाया गया है एन ऑन स्टेट एक्टर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पाकिस्तानी सरकार नहीं। यही बात तो अपनी सफाई में पाकिस्तान दर्शकों से कह रहा है और हमारी फिल्में भी उसी की नीति को आगे बढ़ा देती हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मकसद सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में अपनी मूवी बेचना होता है बस, या शायद कुछ और भी। वो उसके बारे में वो भी जाने। रोहित शेट्टी की पुलिस वालों की सीरीज की तरह यशराज की भी एजेंट्स की सीरीज बन गई है और सूर्यवंशी की तरह इसमें पठान के साथ टाइगर का भी अहम रोल दिखाया गया है। कबीर की भी कई बार चर्चा की गई है, अगली फिल्मों में ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि कुछ नई कहानी की उम्मीद कर रहे शाहरुख फैंस निराश हो सकते हैं क्योंकि कहानी वारस पर है जो आप ऋतिक की कृष और तमाम हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी में उस वारस पर पौराणिक राक्षस रक्तबीज का फॉर्मूला चढ़ा दिया गया है। पठान का विरोध कर रहे लोगों को कुछ और बातों से भी आपत्ति हो सकती है। अपनी पत्नी की मौत से खफा जॉन अब्राहम जब भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो पठान शाहरुख से एक डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने आप को उसका आशिक समझता था और तुम बेटा वो है भारत माँ। ये ठीक है, कई लोगों ने वतन को माँ की जगह महबूब माना है। मनोज मुंतशिर के गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा में भी यही रुख है, लेकिन या तो माँ का जिक्र होता है या वतन से आशिकी का। यहाँ दोनों को मिलाकर डायलॉग विवादित लगता है, मानो जॉन कह रहे हूँ कि वो भारत माँ के आशिक है। आपने पठान के ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख कहते हैं, पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। तब ये लगा था कि पठान ने ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ करोगे तो पठान रोकेगा, लेकिन मूवी में हकीकत कुछ और थी। ये डायलॉग अफगानिस्तान में बोला गया है जहां शाहरुख एक परिवार को अपना मानता है, लेकिन ये दूसरी तरफ इशारा करता है क्योंकि पठानों का घर अफगानिस्तान माना जाता है और शाहरुख भी अपने को अफगानी पठान मूल का होने का दावा करते आए हैं। हालांकि पेशावर में उनके कजिन खुद को पठान नहीं मानते।
सो शाहरुख एक ही मूवी में अलग अलग दर्शक वर्ग को साधने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन एक्शन के शौकीन निराश नहीं होंगे। आपने फोन उठाया या व्हाट्सएप देखा और आपने एक शानदार सीन मिस किया। क्या चलती और जलती ट्रेन, क्या बाइक, क्या कार और क्या एरो सूट, पानी बर्फ, हवा पहाड़, ऊंची इमारतें, सब कुछ इस्तेमाल किया गया ताकि आप हॉलीवुड स्तर के स्टंट का मजा ले सकें। पुल टूटने पर ट्रेन के गिरने का सीन वाकई में जबरदस्त है, उस पर सलमान खान का तड़का भी। दीपिका पादुकोणे के हॉट सीन्स तो पहले से चर्चा में हैं, ही बावजूद इस स्पीड के मूवी के क्राफ्ट में कई सवाल आपके दिमाग में भी उठेंगे कि जब लूथरा, आशुतोष राणा ने जॉन अब्राहम के मामले में फैसला लिया तो उससे बदला क्यों नहीं लिया, वो वायरस एक बहिर्शहर तक कैसे सीमित रखते। जो भी हो, इस मूवी में मेहनत हुई है। अब तक की यशराज की एक्शन फिल्मों में सबसे ज्यादा, इस चक्कर में इमोशन थोड़े कम हो गए हैं। शाहरुख भले ही एक स्तर से ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन जॉन अब्राहम ने असर छोड़ा है। डिंपल कपाड़िया का रोल भी ठीक ठाक है। कई देशों में फिल्म शूट हुई है, 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जो दिखता भी है। सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी, लोकेशंस भी बेहतरीन ढूंढे गए हैं, स्पेशल इफेक्ट्स भी असरदार हैं। ऐसे में मूवी एक बार तो देखी ही जा सकती है और छूट भी जाए तो गम भी ना करें। बॉलीवुड में अपने स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जी हाँ, और उनकी नई फिल्म का नाम पठान है। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है और फिल्म की शूटिंग के बाद किंग खान कुछ समय पहले स्पेन से मुंबई लौटे हैं। अब इन सब के बीच कई लोग इस फिल्म का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच सोशल साइट्स पर एक कहानी वायरल हो रही है जिसे पठान फिल्म का दिखाया जा रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है, शाहरुख खान द्वारा अभिनीत एक पठान उसके माता पिता को उसके बचपन में अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है। वह बदला लेने की आग में जलता हुआ बड़ा होता है और उन्हें ढूंढना और मारना चाहता है। लोग कौन है, फिल्म के अंत में खुलेगा ये सस्पेंस जो आपको चौंका देगा। इसी बीच एक मौलवी उसे अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देता है और उसके मन में यह जहर काफिरों के सफाए से जन्नत में मिल जाता है और भगवान वहां देता है 72 नग्न हुर्रे, अंग्रेजी शराब की नदियां और जैविक शहद। इस पर पठान अपनी महिला सलवार की गांठ बांधते हुए पूछते हैं कि अगर 140 फुट नंगे खुर हैं तो यहां लागू हो क्यों रहा है हिजाब के लिए, और अगर शराब हलाल है तो यहां हराम क्यों है, जिसका मौलवी जवाब देते हैं, देखें कि आप फिल्म में क्या देखते हैं, इतनी उच्च गुणवत्ता वाले मदरसा प्रिंट शिक्षा के साथ यह बड़ा है। फिल्म भी कहानी को आगे ले जाने वाले सितारे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोणे। एक दिन इन लोगों को खबर मिलती है कि दुनिया के सबसे बड़े खलनायक अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम को तबाह करने का बीड़ा उठाया है, तो ये लोग अफगानिस्तान को बचाने के लिए काबुल जाते हैं। इसमें जॉन अब्राहम रॉ के एजेंट हैं, मुसलमान खान ISI के हैं और दीपिका इंटरनेट लिबरल हैं, जो वामिसमैन एजेंडे को बढ़ावा देती रहती हैं। जब ये लोग अफगानिस्तान में होते हैं तो वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को पशुता से मानवता की ओर ले जाने की कोशिश करती है, जिसकी भारत सरकार बहुत मदद करती है और एक ऐसी परियोजना शुरू करना चाहती है जिससे अफगानिस्तान की छवि और भाग्य बदल सके। लेकिन उसके इशारे पर ISI और ISIS का ये पठान गिरोह उस प्रोजेक्ट को फैलाने की कोशिश करता है। वह परियोजना एक बहुत बड़ा बांध है जिससे इतनी बिजली पैदा होगी कि अफगानिस्तान अपने साथ इतने उद्योग स्थापित करेगा कि वे चीन से मुकाबला कर सके। लेकिन पठान गिरोह जो वहां जाता है और अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है लेकिन तालिबान के साथ है, वे षड्यंत्र करते हैं और बाधा डालते हैं। दीपिका कहानी को ध्वस्त करने की भी कोशिश करती है जो अफगानिस्तान को विकसित होने से रोकेगी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। जैसे स्काई बुक एक काल्पनिक किताब है और स्वर्ग हिंदू स्वर्ग की एकमात्र प्रति है। इस बीच दीपिका भारत के दी शाहीन बाग में हुए एक आंदोलन में भाग लेकर लौट आई हैं और वहां से वह एक अवैध क्रांति को जन्म देती हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम पप्पू रखा। पप्पू 15 साल का हो जाता है और दीपिका के पास लौट आता है। एक दिन पप्पू को अपने पिछले जन्म की याद आती है, जिससे पता चलता है कि वे यह पिछले जन्म में एक कम्युनिस्ट हिंदू था और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, लेकिन पुनर्जन्म होता है जिसका वह स्वयं साक्षी है और सनातन धर्म में उसकी आस्था है और वह एक बन जाता है उसके दिल में हिंदू। ये पप्पू अब खुद को तुलसी राम कहना पसंद करता है। एक दिन जब तुलसी राम को पठान गैंग की हकीकत का पता चलता है तो वह दीपिका और भारत सरकार के एजेंट जॉन अब्राहम को बताता है।
पठान गिरोह तुलसीराम को मारने की साजिश करता है, लेकिन तुलसीराम अब शिव का भक्त है और शिव जी की कृपा से हर बार बच जाता है। फिर पठान गिरोह पाकिस्तान से RDX मंगवाकर बांध को उड़ा देना चाहता है ताकि अफगानिस्तान आगे न बढ़ सके और बांध बनाने में मदद करने वाले भारतीय इंजीनियरों और सैकड़ों मजदूरों की जान जा सके। ये RDX भी लगाता है जिसे डिफ्यूज करने के लिए जमकर लड़ाई हो रही है और बांध को बचा लिया गया है। इसी बीच तालिबान का हमला होता है जिसमें भारत सरकार वहां के लोगों को बचाने का काम करती है और अपने नागरिकों को बाहर निकालती है। जब वहां तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो भारतीय पठान गिरोह ने साष्टांग प्रणाम करने जाता है, लेकिन तालिबान उन पर थूकता भी नहीं है और उन्हें धर्मांतरित बताकर उन्हें मारने के लिए हथियार उठा लेता है। ये देख पठान भारत लौट रहे भारतीय वायुसेना के विमान के पंखों पर बैठ जाते हैं और कुछ इसके टायरों से लटक कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में गिर जाते हैं। इस तरह बहादुर कहे जाने वाले पठान समुदाय की पोल खुल जाती है। क्या दुनिया जानती है कि पठान का गठान किसी ने हरि सिंह नलवा ने बांधा था? ये भी ज्ञात है कि उनकी दादी ने तलवार के सामने सलवार खोली थी, इसलिए वे पठान बन गए। पहले सभी हिंदू थे। आप इसे एक वास्तविक कहानी के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे पठानों के पूर्वज सनातनी होते हैं और कुल काल्पनिक होते हैं, वैसे ही ये कहानी भी है। ऐसे में ये कहानी सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि फिल्म कोई नहीं देखेगा और जो देखेगा वो पठान होगा। हालांकि हमारे फैक्ट चेक में ये कहानी सही नहीं पाई गई और इस कहानी का कोई सबूत नहीं है। अभी तक फिल्म के बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि ये कहानी सही है। ये महज एक अफवाह है जो इस समय सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रही है। पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान यानी कि शाहरुख खान के बारे में है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जॉन भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है। इसकी कहानी कोई बहुत अलग या नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह। इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर वो इसे पूरा भी कर ही लेगा, लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। कहानी आपको ये बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की दुआंदार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख की मदद करते हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम। जॉन एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो ये फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भारी पड़ते दिखते हैं। फिल्म की कहानी में यूं तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खास तौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी मजेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक सपोर्ट करने के लिए हैं। लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ आपको काफी एंटरटेन करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देखकर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान शाहरुख खान की फिल्म पठान दमदार ओपनिंग के साथ रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के साथ किंग खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि किंग खान इस फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान सोल्जर के रोल में हैं। सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर भीड़ जुट गई। आइए जानते हैं फैंस और फिल्म क्रिटिक्स को कैसी लगी है ये फिल्म और ट्विटर पर फिल्म को लेकर फैंस के क्या रिएक्शन है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय के बाद एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान पठान में देखा जाने वाला है।
किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बॉलीवुड की मेगा जेट फिल्मों में से एक होने वाली है। शाहरुख को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन्स करते हुए देखा जाएगा। 2018 में फिल्म 00 की असफलता के बाद शाहरुख पठान से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। फिल्म में शाहरुख की धमाकेदार वापसी के लिए सभी तैयारियां भी हो गई हैं। इसी बीच फिल्म की कहानी पहले ही सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई है। वारस से लेकर धारा 370 तक, सूर्यवंशी से लेकर कृष तक, पौराणिक राक्षस से लेकर टाइगर सल्लू तक, हर फॉर्मूला शाहरुख खान की मूवी पठान में आजमाया गया है। टॉम क्रूज या विन डीजल जैसे हॉलीवुड स्टार की किसी भी एक्शन मूवी में जो स्टंट हो सकता है वो सिद्धार्थ आनंद ने इसमें इस्तेमाल किया है। दीपिका के हॉट सीन्स भी हैं। भगवा बिकिनी पर विवाद पहले से हो ही चुका है, बावजूद इसके भी मूवी ना चली तो शाहरुख की खराब किस्मत ही होगी। कहानी के मूल में है एक ऐसे सीक्रेट सर्विस एजेंट का किरदार जिसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार आतंकियों के आगे झुकने और उन्हें 10 करोड़ देने से मना कर देती है। पत्नी की हत्या के बाद जिम जॉन अब्राहम देश के खिलाफ एक मिशन में जुट जाता है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के पाला बदलने की ऐसी कहानियां आपने पहले भी कई फिल्मों में देखी होंगी। उसकी रक्तबीज मिशन को फेल करने में जुटती है भारतीय सीक्रेट एजेंट पठान शाहरुख खान की टीम। कहानी इतनी ही है, बाकी सब फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जो यशराज फिल्म की फिल्मों में ही देखने में आ रहा है, सीक्रेट सर्विस एजेंट की जाती ही नहीं धर्म भी गायब कर दो ताकि मूवी को पाकिस्तान दुबई आदि जगह भी बेचा जा सके। टाइगर का नाम अविनाश सिंह राठौर भी शुरू में ही बताया गया था, सीक्वल और पठान में भी अब बस उसे टाइगर कहा गया है। ऐसे ही वॉर में ऋतिक रोशन का नाम कबीर था, आखिर तक उसका धर्म छुपाया गया और इस मूवी में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया गया। पठान में भी दो किरदार हैं, पठान और जिम, दोनों के नाम से अनुमान लगाते रहे लेकिन पठान के बारे में साफ कर दिया गया कि वो मुसलमान हो भी सकता है और नहीं भी। खान स्टार्स की फिल्मों में एक और फॉर्मूला इन दिनों कई बार आजमाया जा रहा है, वो पठान में भी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी लड़ाई लड़ने का जिस नीति को कभी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम आतंक को समर्थन वाले देशों में रखने का उनका दावा इंटरनेशनल मंचों पर कमजोर हो जाएगा। उस काम को हिंदी फिल्मों के ये खान सितारे जरूर कर रहे हैं। सलमान की टाइगर जिंदा है में भी कॉमन दुश्मन एक आतंकवादी था जो भारत पाकिस्तान की नर्सों को बंधक बना लेता है और उसको छुड़ाने के लिए टाइगर आईएसआई एजेंट कैटरीना से हाथ मिला लेता है और फिर दिल भी। इसी तरह सैफ अली खान की एजेंट विनोद में रॉय एजेंट विनोद आईएसआई एजेंट करीना कपूर से मिलकर दुश्मनों से लड़ता है। अब शाहरुख की पठान में भी दीपिका आईएसआई एजेंट के रोल में शाहरुख के साथ मिलकर मिशन में जुटती है। पठान में भी दिखाया गया है ऑन स्टेट एक्टर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पाकिस्तानी सरकार नहीं। यही बात तो अपनी सफाई में पाकिस्तान दर्शकों से कह रहा है और हमारी फिल्में भी उसी की नीति को आगे बढ़ा देती हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मकसद सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में अपनी मूवी बेचना होता है बस, या शायद कुछ और भी। वो उसके बारे में वो भी जाने। रोहित शेट्टी की पुलिस वालों की सीरीज की तरह यशराज की भी एजेंट्स की सीरीज बन गई है और सूर्यवंशी की तरह इसमें पठान के साथ टाइगर का भी अहम रोल दिखाया गया है। कबीर की भी कई बार चर्चा की गई है, अगली फिल्मों में ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि कुछ नई कहानी की उम्मीद कर रहे शाहरुख फैंस निराश हो सकते हैं क्योंकि कहानी वारस पर है जो आप ऋतिक की कृष और तमाम हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी में उस वारस पर पौराणिक राक्षस रक्तबीज का फॉर्मूला चढ़ा दिया गया है। पठान का विरोध कर रहे लोगों को कुछ और बातों से भी आपत्ति हो सकती है। अपनी पत्नी की मौत से खफा जॉन अब्राहम जब भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो पठान शाहरुख से एक डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने आप को उसका आशिक समझता था और तुम बेटा वो है भारत माँ। ये ठीक है, कई लोगों ने वतन को माँ की जगह महबूब माना है। मनोज मुंतशिर के गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा में भी यही रुख है, लेकिन या तो माँ का जिक्र होता है या वतन से आशिकी का। यहाँ दोनों को मिलाकर डायलॉग विवादित लगता है, मानो जॉन कह रहे हूँ कि वो भारत माँ के आशिक हैं। आपने पठान की ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख कहते हैं, पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। तब ये लगा था कि
कि पठान ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ करोगे तो पठान रोकेगा, लेकिन मूवी में हकीकत कुछ और थी। ये डायलॉग अफगानिस्तान में बोला गया है जहां शाहरुख एक परिवार को अपना मानता है, लेकिन ये दूसरी तरफ इशारा करता है क्योंकि पठानों का घर अफगानिस्तान माना जाता है और शाहरुख भी अपने को अफगानी पठान मूल का होने का दावा करते आए हैं, हालांकि पेशावर में उनके कजिन खुद को पठान नहीं मानते। सो शाहरुख एक ही मूवी में अलग अलग दर्शक वर्ग को साधने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन एक्शन के शौकीन निराश नहीं होंगे। आपने फोन उठाया या व्हाट्सएप देखा और आपने एक शानदार सीन मिस किया। क्या चलती और जलती ट्रेन, क्या बाइक, क्या कार और क्या एरो सूट, पानी वर्क, हवा पहाड़, ऊंची इमारतें, सब कुछ इस्तेमाल किया गया ताकि आप हॉलीवुड स्तर के स्टंट का मजा ले सकें। पुल टूटने पर ट्रेन के गिरने का सीन वाकई में जबरदस्त है, उस पर सलमान खान का तड़का भी। दीपिका पादुकोणे के हॉट सीन्स तो पहले से चर्चा में है ही, बावजूद इस स्पीड के मूवी के क्राफ्ट में कई सवाल आपके दिमाग में भी उठेंगे कि जब लूथरा, आशुतोष राणा ने जॉन अब्राहम के मामले में फैसला लिया तो उससे बदला क्यों नहीं लिया, वो वायरस एक बड़ी शहर तक कैसे सीमित रखते। जो भी हो, इस मूवी में मेहनत हुई है, अब तक की यशराज की एक्शन फिल्मों में सबसे ज्यादा। इस चक्कर में इमोशन थोड़े कम हो गए हैं। शाहरुख भले ही एक स्तर से ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन जॉन अब्राहम ने असर छोड़ा है। डिम्पल कपाड़िया का रोल भी ठीक ठाक है। कई देशों में फिल्म शूट हुई है, 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जो दिखता भी है। सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी, लोकेशंस भी बेहतरीन ढूंढे गए हैं, स्पेशल इफेक्ट्स भी असरदार हैं। ऐसे में मूवी एक बार तो देखी ही जा सकती है और छूट भी जाए तो गम भी ना करें। बॉलीवुड में अपने स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जी हाँ, और उनकी नई फिल्म का नाम पठान है। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है और फिल्म की शूटिंग के बाद किंग खान कुछ समय पहले स्पेन से मुंबई लौटे हैं। अब इन सब के बीच कई लोग इस फिल्म का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच सोशल साइट्स पर एक कहानी वायरल हो रही है जिसे पठान फिल्म का दिखाया जा रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है, शाहरुख खान द्वारा अभिनीत एक पठान उसके माता पिता को उसके बचपन में अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है। वह बदला लेने की आग में जलता हुआ बड़ा होता है और उन्हें ढूंढना और मारना चाहता है। लोग कौन है, फिल्म के अंत में खुलेगा ये सस्पेंस जो आपको चौंका देगा। इसी बीच एक मौलवी उसे अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देता है और उसके मन में यह जहर काफिरों के सफाए से जन्नत में मिल जाता है और भगवान वहां देता है 72 नगनुर्रे अंग्रेजी शराब की नदियां और जैविक शहद। इस पर पठान अपनी महिला सलवार की गांठ बांधते हुए पूछते हैं कि अगर 140 फुट नंगे खुर हैं तो यहां लागू हो क्यों रहा है हिजाब के लिए, और अगर शराब हलाल है तो यहाँ हराम क्यों है, जिसका मौलवी जवाब देते हैं, देखें कि आप फिल्म में क्या देखते हैं। इतनी उच्च गुणवत्ता वाले मदरसा प्रिंट शिक्षा के साथ यह बड़ा है। फिल्म भी कहानी को आगे ले जाने वाले सितारे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। एक दिन इन लोगों को खबर मिलती है कि दुनिया के सबसे बड़े खलनायक अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम को तबाह करने का बीड़ा उठाया है, तो ये लोग अफगानिस्तान को बचाने के लिए काबुल जाते हैं। इसमें जॉन अब्राहम रॉ के एजेंट हैं, मुसलमान खान ISI के हैं और दीपिका इंटरनेट लिबरल हैं, जो वामिसमैन एजेंडे को बढ़ावा देती रहती हैं। जब ये लोग अफगानिस्तान में होते हैं, वारस से लेकर धारा 370 तक, सूर्यवंशी से लेकर कृष तक, पौराणिक राक्षस से लेकर टाइगर सल्लू तक, हर फॉर्मूला शाहरुख खान की मूवी पठान में आजमाया गया है। टॉम क्रूज या विन डीजल जैसे हॉलीवुड स्टार की किसी भी एक्शन मूवी में जो स्टंट हो सकता है वो सिद्धार्थ आनंद ने इसमें इस्तेमाल किया है। दीपिका के हॉट सीन्स भी हैं। भगवा बिकिनी पर विवाद पहले से हो ही चुका है, बावजूद इसके भी मूवी ना चली तो शाहरुख की खराब किस्मत ही होगी। कहानी के मूल में है एक ऐसे सीक्रेट सर्विस एजेंट का किरदार जिसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार आतंकियों के आगे झुकने और उन्हें 10 करोड़ देने से मना कर देती है। पत्नी की हत्या के बाद जिम जॉन अब्राहम देश के खिलाफ एक मिशन में जुट जाता है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के पाला बदलने की ऐसी कहानियां आपने पहले भी कई फिल्मों में देखी होंगी। उसकी रक्तबीज मिशन को फेल करने में जुटती है भारतीय सीक्रेट एजेंट पठान शाहरुख खान की टीम। कहानी इतनी ही है, बाकी सब फॉर्मूले हैं।
पहला फॉर्मूला है जो यशराज फिल्म की फिल्मों में ही देखने में आ रहा है, सीक्रेट सर्विस एजेंट की जाति ही नहीं धर्म भी गायब कर दो, ताकि मूवी को पाकिस्तान, दुबई आदि जगह भी बेचा जा सके। टाइगर का नाम अविनाश सिंह राठौर भी शुरू में ही बताया गया था, सीक्वल और पठान में भी अब बस उसे टाइगर कहा गया है। ऐसे ही वॉर में ऋतिक रोशन का नाम कबीर था, आखिर तक उसका धर्म छुपाया गया और इस मूवी में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया गया। पठान में भी दो किरदार हैं, पठान और जिन, दोनों के नाम से अनुमान लगाते रहे, लेकिन पठान के बारे में साफ कर दिया गया कि वो मुसलमान हो भी सकता है और नहीं भी। खान स्टार्स की फिल्मों में एक और फॉर्मूला इन दिनों कई बार आजमाया जा रहा है, वो पठान में भी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी लड़ाई लड़ने का, जिस नीति को कभी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम आतंक को समर्थन वाले देशों में रखने का उनका दावा इंटरनेशनल मंचों पर कमजोर हो जाएगा। उस काम को हिंदी फिल्मों के ये खान सितारे जरूर कर रहे हैं। सलमान की टाइगर जिंदा है में भी कॉमन दुश्मन एक आतंकवादी था, जो भारत पाकिस्तान की नर्सों को बंधक बना लेता है और उसको छुड़ाने के लिए टाइगर ISI एजेंट कैटरीना से हाथ मिला लेता है और फिर दिल भी। इसी तरह सैफ अली खान की एजेंट विनोद में रॉय एजेंट विनोद ISI एजेंट करीना कपूर से मिलकर दुश्मनों से लड़ता है। अब शाहरुख की पठान में भी दीपिका ISI एजेंट के रोल में शाहरुख के साथ मिलकर मिशन में जुटती है। पठान में भी दिखाया गया है ऑन स्टेट एक्टर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पाकिस्तानी सरकार नहीं। यही बात तो अपनी सफाई में पाकिस्तान दर्शकों से कह रहा है और हमारी फिल्में भी उसी की नीति को आगे बढ़ा देती हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मकसद सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में अपनी मूवी बेचना होता है बस, या शायद कुछ और भी। वो उसके बारे में वो भी जाने, रोहित शेट्टी की पुलिस वालों की सीरीज की तरह यशराज की भी एजेंट्स की सीरीज बन गई है और सूर्यवंशी की तरह इसमें पठान के साथ टाइगर का भी अहम रोल दिखाया गया है। कबीर की भी कई बार चर्चा की गई है, अगली फिल्मों में ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि कुछ नई कहानी की उम्मीद कर रहे शाहरुख फैंस निराश हो सकते हैं, क्योंकि कहानी वारस पर है जो आप ऋतिक की क्रिश और तमाम हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी में उस वारस पर पौराणिक राक्षस रक्त बीज का फॉर्मूला चढ़ा दिया गया है। पठान का विरोध कर रहे लोगों को कुछ और बातों से भी आपत्ति हो सकती है। अपनी पत्नी की मौत से खफा जॉन अब्राहम जब भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो पठान शाहरुख से एक डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने आप को उसका आशिक समझता था और तुम बेटा, वो है भारत माँ। ये ठीक है, कई लोगों ने वतन को माँ की जगह महबूब माना है। मनोज मुंतशिर के गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा में भी यही रुख है, लेकिन या तो माँ का जिक्र होता है या वतन से आशिकी का। यहाँ दोनों को मिलाकर डायलॉग विवादित लगता है, मानो जॉन कह रहे हूँ कि वो भारत माँ के आशिक है। आपने पठान के ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख कहते हैं, पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। तब ये लगा था कि पठान ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ करोगे तो पठान रोकेगा, लेकिन मूवी में हकीकत कुछ और थी। ये डायलॉग अफगानिस्तान में बोला गया है, जहां शाहरुख एक परिवार को अपना मानता है, लेकिन ये दूसरी तरफ इशारा करता है, क्योंकि पठानों का घर अफगानिस्तान माना जाता है और शाहरुख भी अपने को अफगानी पठान मूल का होने का दावा करते आए हैं, हालांकि पेशावर में उनके कजिन खुद को पठान नहीं मानते। सो शाहरुख एक ही मूवी में अलग अलग दर्शक वर्ग को साधने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन एक्शन के शौकीन निराश नहीं होंगे। आपने फोन उठाया या व्हाट्सएप देखा और आपने एक शानदार सीन मिस किया, क्या चलती और जलती ट्रेन, क्या बाइक, क्या कार और क्या एरो सूट, पानी बर्फ हवा पहाड़ ऊंची इमारतें सब कुछ इस्तेमाल किया गया ताकि आप हॉलीवुड स्तर के स्टंट का मजा ले सकें। पुल टूटने पर ट्रेन के गिरने का सीन वाकई में जबरदस्त है, उस पर सलमान खान का तड़का भी। दीपिका पादुकोणे के हॉट सीन्स तो पहले से चर्चा में है ही, बावजूद इस स्पीड के मूवी के क्राफ्ट में कई सवाल आपके दिमाग में भी उठेंगे कि जब लूथरा आशुतोष राणा ने जॉन अब्राहम के मामले में फैसला लिया तो उससे बदला क्यों नहीं लिया, वो वायरस एक बहिर्शहर तक कैसे सीमित रखते। जो भी हो, इस मूवी में मेहनत हुई है, अब तक की यशराज की एक्शन फिल्मों में सबसे ज्यादा। इस चक्कर में इमोशन थोड़े कम हो गए हैं। शाहरुख भले ही एक स्तर से ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन जॉन अब्राहम ने असर छोड़ा है। डिंपल कपाड़िया का रोल भी ठीक ठाक है। कई देशों में फिल्म शूट हुई है, 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जो दिखता भी है।
सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी। लोकेशंस भी बेहतरीन ढूंढे गए हैं, स्पेशल इफेक्ट्स भी असरदार हैं। ऐसे में मूवी एक बार तो देखी ही जा सकती है और छूट भी जाए तो गम भी ना करें। बॉलीवुड में अपने स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जी हाँ, और उनकी नई फिल्म का नाम पठान है। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है और फिल्म की शूटिंग के बाद किंग खान कुछ समय पहले स्पेन से मुंबई लौटे हैं। अब इन सब के बीच कई लोग इस फिल्म का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच सोशल साइट्स पर एक कहानी वायरल हो रही है जिसे पठान फिल्म का दिखाया जा रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है। शाहरुख खान द्वारा अभिनीत एक पठान उसके माता पिता को उसके बचपन में अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है। वह बदला लेने की आग में जलता हुआ बड़ा होता है और उन्हें ढूंढना और मारना चाहता है। लोग कौन है? फिल्म के अंत में खुलेगा ये सस्पेंस जो आपको चौंका देगा। इसी बीच एक मौलवी उसे अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देता है और उसके मन में यह जहर काफिरों के सफाए से जन्नत में मिल जाता है और भगवान वहां देता है 72 नग्न हुर्रे, अंग्रेजी शराब की नदियां और जैविक शहद। इस पर पठान अपनी महिला सलवार की गांठ बांधते हुए पूछते हैं कि अगर 140 फुट नंगे खुर हैं तो यहां लागू हो क्यों रहा है हिजाब के लिए, और अगर शराब हलाल है तो यहां हराम क्यों है? जिसका मौलवी जवाब देते हैं, देखें कि आप फिल्म में क्या देखते हैं, इतनी उच्च गुणवत्ता वाले मदरसा प्रिंट शिक्षा के साथ यह बड़ा है। फिल्म भी कहानी को आगे ले जाने वाले सितारे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। एक दिन इन लोगों को खबर मिलती है कि दुनिया के सबसे बड़े खलनायक अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम को तबाह करने का बीड़ा उठाया है, तो ये लोग अफगानिस्तान को बचाने के लिए काबुल जाते हैं। इसमें जॉन अब्राहम रॉ के एजेंट हैं, मुसलमान खान ISI के हैं और दीपिका इंटरनेट लिबरल हैं, जो वामिसमैन एजेंडे को बढ़ावा देती रहती हैं। जब ये लोग अफगानिस्तान में होते हैं तो वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को पशुता से मानवता की ओर ले जाने की कोशिश करती है, जिसकी भारत सरकार बहुत मदद करती है और एक ऐसी परियोजना शुरू करना चाहती है जिससे अफगानिस्तान की छवि और भाग्य बदल सके। लेकिन उसके इशारे पर ISI और ISIS का ये पठान गिरोह उस प्रोजेक्ट को फैलाने की कोशिश करता है। वह परियोजना एक बहुत बड़ा बांध है जिससे इतनी बिजली पैदा होगी कि अफगानिस्तान अपने साथ इतने उद्योग स्थापित करेगा कि वे चीन से मुकाबला कर सके। लेकिन पठान गिरोह जो वहां जाता है और अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है लेकिन तालिबान के साथ है, वे षड्यंत्र करते हैं और बाधा डालते हैं। दीपिका कहानी को ध्वस्त करने की भी कोशिश करती है जो अफगानिस्तान को विकसित होने से रोकेगी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। जैसे स्काई बुक एक काल्पनिक किताब है और स्वर्ग हिंदू स्वर्ग की एकमात्र प्रति है। इस बीच दीपिका भारत के भी शाहीन बाग में हुए एक आंदोलन में भाग लेकर लौट आई हैं और वहां से वह एक अवैध क्रांति को जन्म देती हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम पप्पू रखा। पप्पू 15 साल का हो जाता है और दीपिका के पास लौट आता है। एक दिन पप्पू को अपने पिछले जन्म की याद आती है जिससे पता चलता है कि वे पिछले जन्म में एक कम्युनिस्ट हिंदू था और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, लेकिन पुनर्जन्म होता है जिसका वह स्वयं साक्षी है और सनातन धर्म में उसकी आस्था है और वह एक बन जाता है उसके दिल में हिंदू। ये पप्पू अब खुद को तुलसी राम कहना पसंद करता है। एक दिन जब तुलसी राम को पठान ज्ञान की हकीकत का पता चलता है तो वह दीपिका और भारत सरकार के एजेंट जॉन अब्राहम को बताता है। पठान गिरोह तुलसी राम को मारने की साजिश करता है, लेकिन तुलसीराम अब शिव का भक्त है और शिव जी की कृपा से हर बार बच जाता है। फिर पठान गिरोह पाकिस्तान से RDX मंगवा कर बांध को उड़ा देना चाहता है ताकि अफगानिस्तान आगे न बढ़ सके और बांध बनाने में मदद करने वाले भारतीय इंजीनियरों और सैकड़ों मजदूरों की जान जा सके। ये RDX भी लगाता है जिसे डिफ्यूज करने के लिए जमकर लड़ाई हो रही है और बांध को बचा लिया गया है। इसी बीच तालिबान का हमला होता है जिसमें भारत सरकार वहां के लोगों को बचाने का काम करती है और अपने नागरिकों को बाहर निकालती है। जब वहां तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो भारतीय पठान गिरोह उन्हें साष्टांग प्रणाम करने जाता है, लेकिन तालिबान उन पर थूकता भी नहीं है और उन्हें धर्मांतरित बताकर उन्हें मारने के लिए हथियार उठा लेता है। ये देख पठान भारत लौट रहे भारतीय वायुसेना के विमान के पंखों पर बैठ जाते हैं और कुछ इसके टायरों से लटक कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में गिर जाते हैं। इस तरह बहादुर कहे जाने वाले पठान समुदाय की पोल खुल जाती है। क्या दुनिया जानती है कि पठान का गठन किसी ने हरि सिंह नलवा ने बांधा था?
ये भी ज्ञात है कि उनकी दादी ने तलवार के सामने सलवार खोली थी, इसलिए वे पठान बन गए। पहले सभी हिंदू थे। आप इसे एक वास्तविक कहानी के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे पठानों के पूर्वज सनातनी होते हैं और कुल काल्पनिक होते हैं, वैसे ही ये कहानी भी है। ऐसे में ये कहानी सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि फिल्म कोई नहीं देखेगा और जो देखेगा वो पठान होगा। हालांकि हमारे फैक्ट चेक में ये कहानी सही नहीं पाई गई और इस कहानी का कोई सबूत नहीं है। अभी तक फिल्म के बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि ये कहानी सही है। ये महज एक अफवाह है जो इस समय सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रही है। पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान यानी की शाहरुख खान के बारे में है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जॉन भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है। इसकी कहानी कोई बहुत अलग या नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह। इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर वो इसे पूरा भी कर ही लेगा, लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। कहानी आपको ये बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख की मदद करते हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम। जॉन एक ऐसे दुश्मन है जिन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो ये फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भारी पड़ते देखते हैं। फिल्म की कहानी में यूं तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खास तौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी मजेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक सपोर्ट करने के लिए हैं। लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफी एंटरटेन करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देखकर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान दमदार ओपनिंग के साथ रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के साथ किंग खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि किंग खान इस फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान सोल्जर के रोल में हैं। सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर भीड़ जुट गई। आइए जानते हैं फैंस और फिल्म क्रिटिक्स को कैसी लगी है ये फिल्म और ट्विटर पर फिल्म को लेकर फैंस के क्या रिएक्शन है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय के बाद एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान पठान में देखा जाने वाला है। किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बॉलीवुड की मेगा जेट फिल्मों में से एक होने वाली है। शाहरुख को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन्स करते हुए देखा जाएगा। 2018 में फिल्म 00 की असफलता के बाद शाहरुख पठान से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। फिल्म में शाहरुख की धमाकेदार वापसी के लिए सभी तैयारियां भी हो गई हैं। इसी बीच फिल्म की कहानी पहले ही सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई है। वारस से लेकर धारा 370 तक, सूर्यवंशी से लेकर कृष तक, पौराणिक राक्षस से लेकर टाइगर सल्लू तक, हर फॉर्मूला शाहरुख खान की मूवी पठान में आजमाया गया है। टॉम क्रूज या विन डीजल जैसे हॉलीवुड स्टार की किसी भी एक्शन मूवी में जो स्टंट हो सकता है वो सिद्धार्थ आनंद ने इसमें इस्तेमाल किया है।
दीपिका के हॉट सीन्स भी हैं। भगवा बिकिनी पर विवाद पहले से हो ही चुका है, बावजूद इसके भी मूवी ना चली तो शाहरुख की खराब किस्मत ही होगी। कहानी के मूल में है एक ऐसे सीक्रेट सर्विस एजेंट का किरदार, जिसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार आतंकियों के आगे झुकने और उन्हें 10 करोड़ देने से मना कर देती है। पत्नी की हत्या के बाद जिम जॉन अब्राहम देश के खिलाफ फेक मिशन में जुट जाता है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के पाला बदलने की ऐसी कहानियां आपने पहले भी कई फिल्मों में देखी होंगी। उसकी रक्तबीज मिशन को फेल करने में जुटती है भारतीय सीक्रेट एजेंट पठान शाहरुख खान की टीम। कहानी इतनी ही है, बाकी सब फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जो यशराज फिल्म की फिल्मों में ही देखने में आ रहा है, सीक्रेट सर्विस एजेंट की जाती ही नहीं धर्म भी गायब कर दो, ताकि मूवी को पाकिस्तान दुबई आदि जगह भी बेचा जा सके। टाइगर का नाम अविनाश सिंह राठौर भी शुरू में ही बताया गया था, सीक्वल और पठान में भी अब बस उसे टाइगर कहा गया है। ऐसे ही वॉर में ऋतिक रोशन का नाम कबीर था, आखिर तक उसका धर्म छुपाया गया। और इस मूवी में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया गया। पठान में भी दो किरदार हैं, पठान और जिम, दोनों के नाम से अनुमान लगाते रहे, लेकिन पठान के बारे में साफ कर दिया गया कि वो मुसलमान हो भी सकता है और नहीं भी। खान स्टार्स की फिल्मों में एक और फॉर्मूला इन दिनों कई बार आजमाया जा रहा है, वो पठान में भी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी लड़ाई लड़ने का, जिस नीति को कभी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम आतंक को समर्थन वाले देशों में रखने का उनका दावा इंटरनेशनल मंचों पर कमजोर हो जाएगा। उस काम को हिंदी फिल्मों के ये खान सितारे जरूर कर रहे हैं। सलमान की टाइगर जिंदा है में भी कॉमन दुश्मन एक आतंकवादी था, जो भारत पाकिस्तान की नर्सों को बंधक बना लेता है और उसको छुड़ाने के लिए टाइगर आईएसआई एजेंट कैटरीना से हाथ मिला लेता है और फिर दिल भी। इसी तरह सैफ अली खान की एजेंट विनोद में रॉय एजेंट विनोद आईएसआई एजेंट करीना कपूर से मिलकर दुश्मनों से लड़ता है। अब शाहरुख की पठान में भी दीपिका आईएसआई एजेंट के रोल में शाहरुख के साथ मिलकर मिशन में जुटती है। पठान में भी दिखाया गया है ऑन स्टेट एक्टर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पाकिस्तानी सरकार नहीं। यही बात तो अपनी सफाई में पाकिस्तान दर्शकों से कह रहा है और हमारी फिल्में भी उसी की नीति को आगे बढ़ा देती हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मकसद सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में अपनी मूवी बेचना होता है बस, या शायद कुछ और भी। वो उसके बारे में वो भी जाने। रोहित शेट्टी की पुलिस वालों की सीरीज की तरह यशराज की भी एजेंट्स की सीरीज बन गई है और सूर्यवंशी की तरह इसमें पठान के साथ टाइगर का भी अहम रोल दिखाया गया है। कबीर की भी कई बार चर्चा की गई है, अगली फिल्मों में ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि कुछ नई कहानी की उम्मीद कर रहे शाहरुख फैंस निराश हो सकते हैं, क्योंकि कहानी वारस पर है जो आप ऋतिक की कृष और तमाम हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी में उस वारस पर पौराणिक राक्षस रक्तबीज का फॉर्मूला चढ़ा दिया गया है। पठान का विरोध कर रहे लोगों को कुछ और बातों से भी आपत्ति हो सकती है। अपनी पत्नी की मौत से खफा जॉन अब्राहम जब भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो पठान शाहरुख से एक डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने आप को उसका आशिक समझता था और तुम बेटा वो है भारत ना। ये ठीक है, कई लोगों ने वतन को माँ की जगह महबूब माना है। मनोज मुंतशिर के गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा में भी यही रुख है, लेकिन या तो माँ का जिक्र होता है या वतन से आशिकी का। यहाँ दोनों को मिलाकर डायलॉग विवादित लगता है, मानो जॉन कह रहे हूँ कि वो भारत माँ के आशिक हैं। आपने पठान की ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख कहते हैं, पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। तब ये लगा था कि पठान ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ करोगे तो पठान रोकेगा, लेकिन मूवी में हकीकत कुछ और थी। ये डायलॉग अफगानिस्तान में बोला गया है, जहाँ शाहरुख एक परिवार को अपना मानता है, लेकिन ये दूसरी तरफ इशारा करता है क्योंकि पठानों का घर अफगानिस्तान माना जाता है और शाहरुख भी अपने को अफगानी पठान मूल का होने का दावा करते आए हैं। हालांकि पेशावर में उनके कजिन खुद को पठान नहीं मानते। सो शाहरुख एक ही मूवी में अलग अलग दर्शक वर्ग को साधने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन एक्शन के शौकीन निराश नहीं होंगे। आपने फोन उठाया, व्हाट्सएप देखा और आपने एक शानदार सीन मिस किया। क्या चलती और जलती ट्रेन, क्या बाइक, क्या कार और क्या एरो सूट, पानी बर्फ, हवा पहाड़, ऊंची इमारतें, सब कुछ इस्तेमाल किया गया ताकि आप हॉलीवुड स्तर के स्टंट का मजा ले सकें। पुल टूटने पर ट्रेन के गिरने का सीन वाकई में जबरदस्त है, उस पर सलमान खान का तड़का भी।
दीपिका पादुकोणे के हॉट सीन्स तो पहले से चर्चा में हैं ही, बावजूद इस स्पीड के मूवी के क्राफ्ट में कई सवाल आपके दिमाग में भी उठेंगे कि जब लूथरा आशुतोष राणा ने जॉन अब्राहम के मामले में फैसला लिया तो उससे बदला क्यों नहीं लिया, वो वारस एक बड़ी शहर तक कैसे सीमित रखते। जो भी हो, इस मूवी में मेहनत हुई है। अब तक की यशराज की एक्शन फिल्मों में सबसे ज्यादा, इस चक्कर में इमोशन थोड़े कम हो गए हैं। शाहरुख भले ही एक स्तर से ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन जॉन अब्राहम ने असर छोड़ा है। डिंपल कपाड़िया का रोल भी ठीक ठाक है। कई देशों में फिल्म शूट हुई है, 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जो दिखता भी है। सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी, लोकेशंस भी बेहतरीन ढूंढे गए हैं, स्पेशल इफेक्ट्स भी असरदार हैं। ऐसे में मूवी एक बार तो देखी ही जा सकती है, और छूट भी जाए तो गम भी ना करें। बॉलीवुड में अपने स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जी हाँ, और उनकी नई फिल्म का नाम पठान है। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, और फिल्म की शूटिंग के बाद किंग खान कुछ समय पहले स्पेन से मुंबई लौटे हैं। अब इन सब के बीच कई लोग इस फिल्म का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, और इसी बीच सोशल साइट्स पर एक कहानी वायरल हो रही है जिसे पठान फिल्म का दिखाया जा रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है, शाहरुख खान द्वारा अभिनीत एक पठान उसके माता पिता को उसके बचपन में अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है। वह बदला लेने की आग में जलता हुआ बड़ा होता है और उन्हें ढूंढना और मारना चाहता है। लोग कौन है, फिल्म के अंत में खुलेगा ये सस्पेंस जो आपको चौंका देगा। इसी बीच एक मौलवी उसे अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देता है, और उसके मन में ये जहर काफिरों के सफाए से जन्नत में मिल जाता है, और भगवान वहाँ देता है 72 नग्न हुर्रे, अंग्रेजी शराब की नदियाँ और जैविक शहद। इस पर पठान अपनी महिला सलवार की गांठ बांधते हुए पूछते हैं कि अगर 140 फुट नंगे खुर हैं तो यहाँ लागू हो क्यों रहा है हिजाब के लिए, और अगर शराब हलाल है तो यहाँ हराम क्यों है। जिसका मौलवी जवाब देते हैं, देखें कि आप फिल्म में क्या देखते हैं, इतनी उच्च गुणवत्ता वाले मदरसा प्रिंट शिक्षा के साथ यह बड़ा है। फिल्म भी कहानी को आगे ले जाने वाले सितारे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोणे। एक दिन इन लोगों को खबर मिलती है कि दुनिया के सबसे बड़े खलनायक अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम को तबाह करने का बीड़ा उठाया है, तो ये लोग अफगानिस्तान को बचाने के लिए काबुल जाते हैं। इसमें जॉन अब्राहम रॉ के एजेंट हैं, मुसलमान खान ISI के हैं, और दीपिका इंटरनेट लिबरल हैं जो वामिसमैन एजेंडे को बढ़ावा देती रहती हैं। जब ये लोग अफगानिस्तान में होते हैं, वारस से लेकर धारा 370 तक, सूर्यवंशी से लेकर कृष तक, पौराणिक राक्षस से लेकर टाइगर सल्लू तक, हर फॉर्मूला शाहरुख खान की मूवी पठान में आजमाया गया है। टॉम क्रूज या विन डीजल जैसे हॉलीवुड स्टार की किसी भी एक्शन मूवी में जो स्टंट हो सकता है वो सिद्धार्थ आनंद ने इसमें इस्तेमाल किया है। दीपिका के हॉट सीन्स भी हैं। भगवा बिकिनी पर विवाद पहले से हो ही चुका है, बावजूद इसके भी मूवी ना चली तो शाहरुख की खराब किस्मत ही होगी। कहानी के मूल में है एक ऐसे सीक्रेट सर्विस एजेंट का किरदार जिसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार आतंकियों के आगे झुकने और उन्हें 10 करोड़ देने से मना कर देती है। पत्नी की हत्या के बाद जिम जॉन अब्राहम देश के खिलाफ एक मिशन में जुट जाता है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के पाला बदलने की ऐसी कहानियां आपने पहले भी कई फिल्मों में देखी होंगी। उसकी रक्तबीज मिशन को फेल करने में जुटती है भारतीय सीक्रेट एजेंट पठान शाहरुख खान की टीम। कहानी इतनी ही है, बाकी सब फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जो यशराज फिल्म की फिल्मों में ही देखने में आ रहा है, सीक्रेट सर्विस एजेंट की जाती ही नहीं धर्म भी गायब कर दो ताकि मूवी को पाकिस्तान दुबई आदि जगह भी बेचा जा सके। टाइगर का नाम अविनाश सिंह राठौर भी शुरू में ही बताया गया था, सीक्वल और पठान में भी अब बस उसे टाइगर कहा गया है। ऐसे ही वॉर में ऋतिक रोशन का नाम कबीर था, आखिर तक उसका धर्म छुपाया गया, और इस मूवी में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया गया। पठान में भी दो किरदार हैं, पठान और जिम, दोनों के नाम से अनुमान लगाते रहे, लेकिन पठान के बारे में साफ कर दिया गया कि वो मुसलमान हो भी सकता है और नहीं भी। खान स्टार्स की फिल्मों में एक और फॉर्मूला इन दिनों कई बार आजमाया जा रहा है, वो पठान में भी है, पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी लड़ाई लड़ने का, जिस नीति को कभी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम आतंक को समर्थन वाले देशों में रखने का उनका दावा इंटरनेशनल मंचों पर कमजोर हो जाएगा।
उस काम को हिंदी फिल्मों के ये खान सितारे जरूर कर रहे हैं। सलमान की टाइगर जिंदा है में भी कॉमन दुश्मन एक आतंकवादी था जो भारत पाकिस्तान की नर्सों को बंधक बना लेता है और उसको छुड़ाने के लिए टाइगर ISI एजेंट कैटरीना से हाथ मिला लेता है और फिर दिल भी। इसी तरह सैफ अली खान की एजेंट विनोद में रॉय एजेंट विनोद ISI एजेंट करीना कपूर से मिलकर दुश्मनों से लड़ता है। अब शाहरुख की पठान में भी दीपिका ISI एजेंट के रोल में शाहरुख के साथ मिलकर मिशन में जुटती है। पठान में भी दिखाया गया है ऑन स्टेट एक्टर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पाकिस्तानी सरकार नहीं। यही बात तो अपनी सफाई में पाकिस्तान दर्शकों से कह रहा है और हमारी फिल्में भी उसी की नीति को आगे बढ़ा देती हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मकसद सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में अपनी मूवी बेचना होता है बस, या शायद कुछ और भी। वो उसके बारे में वो भी जाने। रोहित शेट्टी की पुलिस वालों की सीरीज की तरह यशराज की भी एजेंट्स की सीरीज बन गई है और सूर्यवंशी की तरह इसमें पठान के साथ टाइगर का भी अहम रोल दिखाया गया है। कबीर की भी कई बार चर्चा की गई है, अगली फिल्मों में ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि कुछ नई कहानी की उम्मीद कर रहे शाहरुख फैंस निराश हो सकते हैं क्योंकि कहानी वारस पर है जो आप ऋतिक की क्रिश और तमाम हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी में उस वारस पर पौराणिक राक्षस रक्तबीज का फॉर्मूला चढ़ा दिया गया है। पठान का विरोध कर रहे लोगों को कुछ और बातों से भी आपत्ति हो सकती है। अपनी पत्नी की मौत से खफा जॉन अब्राहम जब भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो पठान शाहरुख से एक डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने आप को उसका आशिक समझता था और तुम बेटा वो है भारत माँ। ये ठीक है, कई लोगों ने वतन को माँ की जगह महबूब माना है। मनोज मुंतशिर के गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा में भी यही रुख है, लेकिन या तो माँ का जिक्र होता है या वतन से आशिकी का। यहाँ दोनों को मिलाकर डायलॉग विवादित लगता है, मानो जॉन कह रहे हूँ कि वो भारत माँ के आशिक है। आपने पठान के ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख कहते हैं, पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। तब ये लगा था कि पठान ने ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ करोगे तो पठान रोकेगा, लेकिन मूवी में हकीकत कुछ और थी। ये डायलॉग अफगानिस्तान में बोला गया है जहां शाहरुख एक परिवार को अपना मानता है, लेकिन ये दूसरी तरफ इशारा करता है क्योंकि पठानों का घर अफगानिस्तान माना जाता है और शाहरुख भी अपने को अफगानी पठान मूल का होने का दावा करते आए हैं। हालांकि पेशावर में उनके कजिन खुद को पठान नहीं मानते। सो शाहरुख एक ही मूवी में अलग अलग दर्शक वर्ग को साधने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन एक्शन के शौकीन निराश नहीं होंगे। आपने फोन उठाया, व्हाट्सएप देखा और आपने एक शानदार सीन मिस किया। क्या चलती और जलती ट्रेन, क्या बाइक, क्या कार और क्या एरो सूट, पानी वर्क, हवा पहाड़, ऊंची इमारतें, सब कुछ इस्तेमाल किया गया ताकि आप हॉलीवुड स्तर के स्टंट का मजा ले सकें। पुल टूटने पर ट्रेन के गिरने का सीन वाकई में जबरदस्त है, उस पर सलमान खान का तड़का भी। दीपिका पादुकोणे के हॉट सीन्स तो पहले से चर्चा में हैं ही, बावजूद इस स्पीड के मूवी के क्राफ्ट में कई सवाल आपके दिमाग में भी उठेंगे कि जब लूथरा आशुतोष राणा ने जॉन अब्राहम के मामले में फैसला लिया तो उससे बदला क्यों नहीं लिया, वो वायरस एक बहिर्शहर तक कैसे सीमित रखते। जो भी हो, इस मूवी में मेहनत हुई है। अब तक की यशराज की एक्शन फिल्मों में सबसे ज्यादा इस चक्कर में इमोशन थोड़े कम हो गए हैं। शाहरुख भले ही एक स्तर से ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन जॉन अब्राहम ने असर छोड़ा है। डिंपल कपाड़िया का रोल भी ठीक ठाक है। कई देशों में फिल्म शूट हुई है, 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जो दिखता भी है। सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी, लोकेशंस भी बेहतरीन ढूंढे गए हैं, स्पेशल इफेक्ट्स भी असरदार हैं। ऐसे में मूवी एक बार तो देखी ही जा सकती है और छूट भी जाए तो गम भी ना करें। बॉलीवुड में अपने स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जी हाँ, और उनकी नई फिल्म का नाम पठान है। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है और फिल्म की शूटिंग के बाद किंग खान कुछ समय पहले स्पेन से मुंबई लौटे हैं। अब इन सब के बीच कई लोग इस फिल्म का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच सोशल साइट्स पर एक कहानी वायरल हो रही है जिसे पठान फिल्म का दिखाया जा रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है, शाहरुख खान द्वारा अभिनीत एक पठान उसके माता पिता को उसके बचपन में अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है। वह बदला लेने की आग में जलता हुआ बड़ा होता है और उन्हें ढूंढना और मारना चाहता है। लोग कौन है,
फिल्म के अंत में खुलेगा ये सस्पेंस जो आपको चौंका देगा। इसी बीच एक मौलवी उसे अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देता है और उसके मन में यह जहर काफिरों के सफाए से जन्नत में मिल जाता है और भगवान वहां देता है 72 नगनहुर्रे अंग्रेजी शराब की नदियां और जैविक शहद। इस पर पठान अपनी महिला सलवार की गांठ बांधते हुए पूछते हैं कि अगर 140 फुट नंगे खुर हैं तो यहां लागू क्यों हो रहा है हिजाब के लिए, और अगर शराब हलाल है तो यहां हराम क्यों है। जिसका मौलवी जवाब देते हैं, देखें कि आप फिल्म में क्या देखते हैं, इतनी उच्च गुणवत्ता वाले मदरसा प्रिंट शिक्षा के साथ यह बड़ा है। फिल्म भी कहानी को आगे ले जाने वाले सितारे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। एक दिन इन लोगों को खबर मिलती है कि दुनिया के सबसे बड़े खलनायक अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम को तबाह करने का बीड़ा उठाया है, तो ये लोग अफगानिस्तान को बचाने के लिए काबुल जाते हैं। इसमें जॉन अब्राहम रॉ के एजेंट हैं, मुसलमान खान ISI के हैं और दीपिका इंटरनेट लिबरल हैं, जो वामिसमैन एजेंडे को बढ़ावा देती रहती हैं। जब ये लोग अफगानिस्तान में होते हैं तो वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को पशुता से मानवता की ओर ले जाने की कोशिश करती है, जिसकी भारत सरकार बहुत मदद करती है और एक ऐसी परियोजना शुरू करना चाहती है जिससे अफगानिस्तान की छवि और भाग्य बदल सके। लेकिन उसके इशारे पर ISI और ISIS का ये पठान गिरोह उस प्रोजेक्ट को फैलाने की कोशिश करता है। वह परियोजना एक बहुत बड़ा बांध है जिससे इतनी बिजली पैदा होगी कि अफगानिस्तान अपने साथ इतने उद्योग स्थापित करेगा कि वे चीन से मुकाबला कर सके। लेकिन पठान गिरोह जो वहां जाता है और अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है लेकिन तालिबान के साथ है, वे षड्यंत्र करते हैं और बाधा डालते हैं। दीपिका कहानी को ध्वस्त करने की भी कोशिश करती है जो अफगानिस्तान को विकसित होने से रोकेगी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। जैसे स्काई बुक एक काल्पनिक किताब है और स्वर्ग हिंदू स्वर्ग की एकमात्र प्रति है। इस बीच दीपिका भारत के भी शाहीन बाग में हुए एक आंदोलन में भाग लेकर लौट आई हैं और वहां से वह एक अवैध क्रांति को जन्म देती हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम पप्पू रखा। पप्पू 15 साल का हो जाता है और दीपिका के पास लौट आता है। एक दिन पप्पू को अपने पिछले जन्म की याद आती है, जिससे पता चलता है कि वे यह पिछले जन्म में एक कम्युनिस्ट हिंदू था और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। लेकिन पुनर्जन्म होता है जिसका वह स्वयं साक्षी है और सनातन धर्म में उसकी आस्था है और वह एक बन जाता है उसके दिल में हिंदू। ये पप्पू अब खुद को तुलसी राम कहना पसंद करता है। एक दिन जब तुलसी राम को पठान गैंग की हकीकत का पता चलता है तो वह दीपिका और भारत सरकार के एजेंट जॉन अब्राहम को बताता है। पठान गिरोह तुलसी राम को मारने की साजिश करता है, लेकिन तुलसीराम अब शिव का भक्त है और शिव जी की कृपा से हर बार बच जाता है। फिर पठान गिरोह पाकिस्तान से RDX मंगवाकर बांध को उड़ा देना चाहता है ताकि अफगानिस्तान आगे न बढ़ सके और बांध बनाने में मदद करने वाले भारतीय इंजीनियरों और सैकड़ों मजदूरों की जान जा सके। ये RDX भी लगाता है जिसे डिफ्यूज करने के लिए जमकर लड़ाई हो रही है और बांध को बचा लिया गया है। इसी बीच तालिबान का हमला होता है जिसमें भारत सरकार वहां के लोगों को बचाने का काम करती है और अपने नागरिकों को बाहर निकालती है। जब वहां तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो भारतीय पठान गिरोह ने साष्टांग प्रणाम करने जाता है, लेकिन तालिबान उन पर थूकता भी नहीं है और उन्हें धर्मांतरित बताकर उन्हें मारने के लिए हथियार उठा लेता है। ये देख पठान भारत लौट रहे भारतीय वायुसेना के विमान के पंखों पर बैठ जाते हैं और कुछ इसके टायरों से लटक कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में गिर जाते हैं। इस तरह बहादुर कहे जाने वाले पठान समुदाय की पोल खुल जाती है। क्या दुनिया जानती है कि पठान का गठान किसी ने हरि सिंह नलवा ने बांधा था? ये भी ज्ञात है कि उनकी दादी ने तलवार के सामने सलवार खोली थी, इसलिए वे पठान बन गए। पहले सभी हिंदू थे। आप इसे एक वास्तविक कहानी के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे पठानों के पूर्वज सनातनी होते हैं और कुल काल्पनिक होते हैं, वैसे ही ये कहानी भी है। ऐसे में ये कहानी सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि फिल्म कोई नहीं देखेगा और जो देखेगा वो पठान होगा। हालांकि हमारे फैक्ट चेक में ये कहानी सही नहीं पाई गई और इस कहानी का कोई सबूत नहीं है। अभी तक फिल्म के बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि ये कहानी सही है। ये महज एक अफवाह है जो इस समय सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रही है। पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ
एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान नानी की शाहरुख खान के बारे में है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जॉन भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है। इसकी कहानी कोई बहुत अलग या नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह। इसमें भी एक एजेंट पठान है, जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर वो इसे पूरा भी कर ही लेगा, लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। कहानी आपको ये बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख की मदद करते हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम। जॉन एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो ये फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भारी पड़ते दिखते हैं। फिल्म की कहानी में यूं तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खास तौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी मजेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक सपोर्ट करने के लिए हैं। लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ आपको काफी एंटरटेन करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देखकर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान शाहरुख खान की फिल्म पठान दमदार ओपनिंग के साथ रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के साथ किंग खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि किंग खान इस फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान सोल्जर के रोल में हैं। सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर भीड़ जुट गई। आइए जानते हैं फैंस और फिल्म क्रिटिक्स को कैसी लगी है ये फिल्म और ट्विटर पर फिल्म को लेकर फैंस के क्या रिएक्शन है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय के बाद एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान पठान में देखा जाने वाला है। किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बॉलीवुड की मेगा जेट फिल्मों में से एक होने वाली है। शाहरुख को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन्स करते हुए देखा जाएगा। 2018 में फिल्म 00 की असफलता के बाद शाहरुख पठान से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। फिल्म में शाहरुख की धमाकेदार वापसी के लिए सभी तैयारियां भी हो गई हैं। इसी बीच फिल्म की कहानी पहले ही सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई है। वारस से लेकर धारा 370 तक, सूर्यवंशी से लेकर कृष तक, पौराणिक राक्षस से लेकर टाइगर सल्लू तक, हर फॉर्मूला शाहरुख खान की मूवी पठान में आजमाया गया है। टॉम क्रूज या विन डीजल जैसे हॉलीवुड स्टार की किसी भी एक्शन मूवी में जो स्टंट हो सकता है वो सिद्धार्थ आनंद ने इसमें इस्तेमाल किया है। दीपिका के हॉट सीन्स भी हैं। भगवा बिकिनी पर विवाद पहले से हो ही चुका है, बावजूद इसके भी मूवी ना चली तो शाहरुख की खराब किस्मत ही होगी। कहानी के मूल में है एक ऐसे सीक्रेट सर्विस एजेंट का किरदार, जिसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार आतंकियों के आगे झुकने और उन्हें 10 करोड़ देने से मना कर देती है। पत्नी की हत्या के बाद जिम जॉन अब्राहम देश के खिलाफ एक मिशन में जुट जाता है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के पाला बदलने की ऐसी कहानियां आपने पहले भी कई फिल्मों में देखी होंगी। उसकी रक्तबीज मिशन को फेल करने में जुटती है भारतीय सीक्रेट एजेंट पठान शाहरुख खान की टीम। कहानी इतनी ही है, बाकी सब फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जो यशराज फिल्म की फिल्मों में ही देखने में आ रहा है, सीक्रेट सर्विस एजेंट की जाती ही नहीं धर्म भी गायब कर दो ताकि मूवी को पाकिस्तान दुबई आदि जगह भी बेचा जा सके। टाइगर का नाम अविनाश सिंह राठौर भी शुरू में ही बताया गया था। सीक्वल और पठान में भी अब बस उसे टाइगर कहा गया है।
ऐसे ही वॉर में ऋतिक रोशन का नाम कबीर था, आखिर तक उसका धर्म छुपाया गया। और इस मूवी में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया गया। पठान में भी दो किरदार हैं, पठान और जिम, दोनों के नाम से अनुमान लगाते रहे, लेकिन पठान के बारे में साफ कर दिया गया कि वो मुसलमान हो भी सकता है और नहीं भी। खान स्टार्स की फिल्मों में एक और फॉर्मूला इन दिनों कई बार आजमाया जा रहा है, वो पठान में भी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी लड़ाई लड़ने का, जिस नीति को कभी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम आतंक को समर्थन वाले देशों में रखने का उनका दावा इंटरनेशनल मंचों पर कमजोर हो जाएगा। उस काम को हिंदी फिल्मों के ये खान सितारे जरूर कर रहे हैं। सलमान की टाइगर जिंदा है में भी कॉमन दुश्मन एक आतंकवादी था, जो भारत पाकिस्तान की नर्सों को बंधक बना लेता है और उसको छुड़ाने के लिए टाइगर आईएसआई एजेंट कैटरीना से हाथ मिला लेता है और फिर दिल भी। इसी तरह सैफ अली खान की एजेंट विनोद में रॉय एजेंट विनोद आईएसआई एजेंट करीना कपूर से मिलकर दुश्मनों से लड़ता है। अब शाहरुख की पठान में भी दीपिका आईएसआई एजेंट के रोल में शाहरुख के साथ मिलकर मिशन में जुटती है। पठान में भी दिखाया गया है ऑन स्टेट एक्टर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पाकिस्तानी सरकार नहीं। यही बात तो अपनी सफाई में पाकिस्तान दर्शकों से कह रहा है और हमारी फिल्में भी उसी की नीति को आगे बढ़ा देती हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मकसद सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में अपनी मूवी बेचना होता है बस, या शायद कुछ और भी। वो उसके बारे में वो भी जाने, रोहित शेट्टी की पुलिस वालों की सीरीज की तरह यशराज की भी एजेंट्स की सीरीज बन गई है और सूर्यवंशी की तरह इसमें पठान के साथ टाइगर का भी अहम रोल दिखाया गया है। कबीर की भी कई बार चर्चा की गई है, अगली फिल्मों में ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि कुछ नई कहानी की उम्मीद कर रहे शाहरुख फैंस निराश हो सकते हैं, क्योंकि कहानी वारस पर है जो आप ऋतिक की क्रिश और तमाम हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी में उस वारस पर पौराणिक राक्षस रक्तबीज का फॉर्मूला चढ़ा दिया गया है। पठान का विरोध कर रहे लोगों को कुछ और बातों से भी आपत्ति हो सकती है। अपनी पत्नी की मौत से खफा जॉन अब्राहम जब भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो पठान शाहरुख से एक डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने आप को उसका आशिक समझता था और तुम बेटा, वो है भारत माँ। ये ठीक है, कई लोगों ने वतन को माँ की जगह महबूब माना है। मनोज मुंतशिर के गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा में भी यही रुख है, लेकिन या तो माँ का जिक्र होता है या वतन से आशिकी का। यहाँ दोनों को मिलाकर डायलॉग विवादित लगता है, मानो जॉन कह रहे हूँ कि वो भारत माँ के आशिक हैं। आपने पठान की ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख कहते हैं, पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। तब ये लगा था कि पठान ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ करोगे तो पठान रोकेगा, लेकिन मूवी में हकीकत कुछ और थी। ये डायलॉग अफगानिस्तान में बोला गया है, जहाँ शाहरुख एक परिवार को अपना मानता है, लेकिन